लोकसभा चुनाव को लेकर कोतवाली पौड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी थाना चौकी के पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला। संयुक्त बल द्वारा घनी आबादी और संवेदनशील इलाकों से गुजरते हुए असामाजिक तत्वों को कड़ा संदेश दिया, साथ ही आमजन को यह विश्वास दिलाया कि निडर होकर मतदान करें। SSP पौड़ी लोकेश्वर सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद सभी ब्लॉकों में फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि फ्लैग मार्च निकालकर निडर व निष्पक्ष होकर मतदान करने की अपील भी लगातार की जा रही है। पौड़ी से मुकेश बछैती की रिपोर्ट। देखिए, जनपद में हमारे कुल 946 पोलिंग बूथ्स हैं, जिन 946 में से कुल 45 हमारे क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं और 7 वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन हैं। इनकी हम लोगों ने पहले से चिन्हीकरण कर लिया था और उनकी वल्नरेबिलिटी और क्रिटिकलिटी को जो कम करने के भी जो पैमाना होता है वो भी हमने किया है और उनकी क्रिटिकलिटी और वल्नरेबिलिटी को कम करने का भी प्रयास किया है और मान के अनुसार वहाँ पे जो फोर्स लगता है वो भी हमने उस तरह से लगा हुआ है। और चूँकि इन क्षेत्रों में थोड़ी सी संवेदनशीलता रहती है तो हम लोग पहले ही इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस का और लोकल पुलिस का फ्लैग मार्चेस करवाते हैं, लोकल पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं। वो हमारे MCC लगने के उपरांत से ही चल रहे हैं और जो पोलिंग डे तक चलते रहेंगे।